हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल आपका पहला लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, वो आप लोगों को रसीव हो गया होगा, सुन लिया होगा आप लोगों ने। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी तक कोई मैसेज वगैरह नहीं आया आप लोगों के, तो इसका मतलब आप लोगों के पास सब बात समझ आ गई होगी। अब आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड चैप्टर है इसका। सेकेंड लेक्चर है जुरिस्प्रूडेंस का और उसका सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के। जुरिस्प्रूडेंस की नेचर क्या है? अब इसका फर्स्ट टॉपिक है वेदर जुरिस्प्रूडेंस इज़ एन आर्ट, साइंस और फिलॉसफी। अब यहाँ पर जुरिस्प्रूडेंस को जो है वो मैचिंग की गई है, उसको कंपेयर किया गया है कि आया जुरिस्प्रूडेंस जो है वो एक आर्ट है या साइंस है या फिलॉसफी है। तो पहले हम पढ़ेंगे जुरिस्प्रूडेंस एज एन आर्ट। जुरिस्प्रूडेंस एज आर्ट, जुरिस्ट लाइक बेंथम, ग्रे और ब्राउन कंसिडर इट टू बी एन आर्ट। दे ले देयर क्लेम ऑन द फैक्ट दैट एज इन जुरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ लॉ आर कलेक्टेड, क्लासिफाइड एंड अरेंज प्रॉपरली, इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस। नो डाउट द इंग्लिश लॉ वॉज क्लासिफाइड इन वॉल्यूम्स बाय हेल्सबरी, बट दिस इज ओनली अ वे बाय विच लॉज कैन बी अरेंज मैथोलॉजिकली। जुरिस्प्रूडेंस इज नॉट मेयर क्लासिफिकेशन, बट इट इज़ द डिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम डिटेल प्रोविजन्स। जुरिस्प्रूडेंस जो है वो तीन जुरिस्ट का इसमें नाम दिया गया है, जुरिस्ट लाइक बेंथम, ग्रे एंड ब्राउन। ये तीन जुरिस्ट हैं, इन्होंने कंसिडर किया है टू बी एन आर्ट। इन तीन की कंसिडरेशन में जो है वो जुरिस्प्रूडेंस एक आर्ट है, एक फन है। दे ले देयर क्लेम ऑन द फैक्ट दैट एज एन जुरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ लॉ आर कलेक्टेड। इनके नज़रियात के मुताबिक जो जुरिस्प्रूडेंस है वो एक आर्ट है, क्योंकि इसे मखसूस तरीके से इसके अंदर चीज़ों को कलेक्ट करके रखा गया है, फिर क्लासिफाइड उन्हें तरतीब दी गई है, दर्जाबंदी की गई है, एंड अरेंज और फिर उन्हें अरेंज किया गया है। इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस। और उन्हीं की कंसिडरेशन में ये एक आर्ट से ज़्यादा एक साइंस है, जिसको एक बहुत बातरतीब तरीके से बनाया गया है, ताकि जो बेसिक लॉ है वो इंसान को समझ आ सके। नो डाउट द इंग्लिश लॉ वॉज क्लासिफाइड इन वॉल्यूम्स बाय हेल्सबरी, बट दिस इज ओनली अ वे बाय विच लॉज कैन बी अरेंज मैथोलॉजिकली। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश लॉ जो है वो क्लासिफाइड है, दर्जाबंदी है उसकी वॉल्यूम्स में, बट दिस इज ओनली अ वे बाय विच लॉ कैन बी अरेंज। यही एक तरीके का अर्थ था जिससे लॉ को, कानून को जो है अरेंज किया जाए मैथोलॉजिकली। जैसे मैंने बताया कि जब भी आपको कोई भी लॉ पढ़ना है, लॉ सीखना है, समझना है, तो उससे पहले जुरिस्प्रूडेंस को आपने पढ़ना है और सीखना है। जुरिस्प्रूडेंस इज़ नॉट मेयर क्लासिफिकेशन, बट इट इज़ द डिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रॉम डिटेल प्रोविजन। अब उनकी नज़रिए के मुताबिक जो जुरिस्प्रूडेंस है वो सिर्फ क्लासिफिकेशंस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत डिटेल जो प्रोविजंस है उसको, उनमें से जो डिडेक्ट करके मुनज़्ज़म चीज़ों को, तरीकों को डिडेक्ट करके और असूल, इसके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, असूल बनाए गए हैं। ये था जुरिस्प्रूडेंस एज एन आर्ट। सेकंड टॉपिक है जुरिस्प्रूडेंस एज साइंस। साइंस इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉलेज कंपेल्ड बाय प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दी पर्टिकुलर टू द जर्नल एंड डज फॉर्मिंग जर्नल प्रिंसिपल। स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस वुड रिवील दैट ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन जुरिस्प्रूडेंस। प्रोफेसर हॉलैंड डिफाइंड जुरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस। अब साइंस इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज कंपेल्ड बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जर्नल। अब जो साइंस के है वो एक सिस्टम के तहत, साइंस जो है वो एक चीज़ों की खोज करके उसको मुनज़्ज़म तरीके से रखने के नाम है, कंपेल्ड बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जर्नल, जिसे इकट्ठा किया गया है जाब्तों से
जो कि पर्टिकुलर चीज़ों को पर्टिकुलर चीज़ों को लिया गया है जर्नल में से, एंड दस फॉर्मिंग जर्नल प्रिंसिपल, और फिर उन्हें एक जर्नल या आम जो है असूल बना दिए गए हैं। मीन्स जो भी असूल और जाब्ते आप जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, वही असूल वही जाब्ता जो है आपको पूरी लॉज की बुक में, कानून की किताबों में वो मिलेगा। जैसे कि ड्यूटी और राइट जो है, ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं, और ये एक प्रिंसिपल है कि कानून जो है वो सबके, कानून के तहत हर एक शख्स की कुछ ड्यूटीज़ हैं और हर एक शख्स की कुछ राइट्स हैं। इसी तरीके से इसमें प्रोफेसर हॉलैंड जो है उसके नज़रिए के मुताबिक जुरिस्प्रूडेंस जो है वो एक साइंस है। थर्ड टॉपिक है जुरिस्प्रूडेंस एज अ फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टीमेट राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट। अब फिलॉसफी क्यों कहा गया इसे? फिलॉसफी मीन्स प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट। इंसानी रवैये के अंदर जो चीज़ें सही और गलत को डिटरमाइन करती हैं, वजाहत करती हैं, वो सब चीज़ें इसकी प्रिंसिपल्स में आएंगी जुरिस्प्रूडेंस के लिए। जुरिस्प्रूडेंस ये चीज़ें बताएगा कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। अगर इंसान का कुछ रवैया है, उसका कंडक्ट है, उसका एटीट्यूड है, उसे देखने से, उन चीज़ों से ये चीज़ समझ आएगी कि आया इसका ये एक्ट सही है या गलत है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फिलॉसफी के ज़रिए। दिस व्यू इज़ नॉट पॉपुलर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़ द सर्च फॉर रियलिटी, वाइल जुरिस्प्रूडेंस ट्राइज टू डिडक्ट जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम मैन मेड लॉस। अब ये जो व्यू है फिलॉसफी वाला, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यू नहीं है, ये चंद एक जुरिस्ट का वो है, अपना ओपिनियंस है, लेकिन लेकिन फिलॉसफी इज़ द सर्च फॉर रियलिटी, वाइल जुरिस्प्रूडेंस ट्राइज टू डिडक्ट जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम मैन मेड लॉ। अब जब इससे पहले, इससे आगे जाके हम पढ़ेंगे तो कानून दो तरह के कानून हैं। एक वो कानून है जो खुदा का कानून है, जो खुदा ने कानून बनाया है, खुदा ने कानून दिया, और दूसरा वो कानून है जो इंसानों ने बनाया है इंसानों के लिए। खुदा का कानून जो है वो पूरी इंसानियत और पूरी अपना यूनिवर्सल के लिए है, जबकि मैन मेड लॉज जो है इंसान के बनाए हुए जो कानून है वो इंसानों के लिए ही है, और इंसानों के ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल्स हैं, और वो इंसानों के रवैयों के हिसाब से, उसकी टेरिटरी के हिसाब से उन्हें किया गया है। स्टूडेंट्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी कैन देमसेल्फ डिसाइड एंड जज। अब उन्होंने इन तीन जो टॉपिक्स दिए गए हैं, आर्ट, साइंस और फिलॉसफी, इससे अब आपने, आपको जो चीज़ समझ आती है तो आपने उसी को समझने के, जुरिस्प्रूडेंस क्या है आपकी नज़र में, कि जुरिस्प्रूडेंस एक साइंस है, आर्ट है, या फिलॉसफी है, या जो भी आपका नज़रिया हो। लेकिन ये एक व्यूज़ थे जो मुख्तलिफ जुरिस्ट के, जुरिस्प्रूडेंस के बारे में। इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस विथ अदर सोशल साइंस। जुरिस्प्रूडेंस का दूसरे सोशल साइंसेस से क्या ताल्लुकात हैं, या वो उसको, उसके किस तरह के ताल्लुकात होंगे जब वो दूसरी स्टडीज़ के साथ रहेगी। व्हाट इज़ सोशल साइंस? सोशल साइंस क्या है? द साइंस दैट डील्स विद मैन एज अ सोशल बीइंग बाय स्टडिंग हिज कंडक्ट एंड एक्टिविटीज इज कॉल्ड सोशल साइंस। वो साइंस जो डील करती है विद मैन एज अ सोशल बीइंग, जो इंसान के मुआशरे को, इंसानी मुआशरे को डील करती है, बाय स्टडिंग हिज कंडक्ट, के इंसान का जो रवैया है एंड एक्टिविटीज़ और जो उसके रहन सहन है, इज़ कॉल्ड सोशल साइंस। उसे कहा जाता है सोशल साइंस, के जो इंसान का रवैया और उसका रहन सहन होता है उससे कहा जाता है सोशल साइंस। फर्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन बिहेवियर एंड कंडक्ट इन सोसाइटी, वाइल जुरिस्प्रूडेंस इज डिज़ाइन टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ मैन इन सोसाइटी। अब सोशियोलॉजी आमतौर पर भी आपको पता होगा उमरानियात,
उमरानियात जो है एक स्टडी है इंसान के बिहेवियर की, इंसान के रवैये की, कि इंसान एक सोसाइटी में जब रहता है सॉरी, तो इंसान जब एक सोसाइटी में रहता है तो उसका रवैया, उसका तरीक़ेकार, उसका एटीट्यूड क्या होगा। वाइल जुरिस्प्रूडेंस इज़ डिज़ाइन टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ मैन इन सोसाइटी, जबकि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो इस चीज़ को डिज़ाइन करती है कि इंसान ने मुआशरे में, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उसके राइट्स हैं, किन असूलों पर उसने चलना है। सेकंड है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है ज़ाब्ता इखलाक, यानी कि इखलाकियात। इखलाकियात एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मॉरल कंसिडरेशन अफेक्टिंग मैंस बिहेवियर। जुरिस्प्रूडेंस आल्सो कंसर्न विथ ह्यूमन कंडक्ट, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एज बींग मैन मेड। अब एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मॉरल कंसिडरेशन अफेक्टिंग मैंस बिहेवियर, यानी कि इखलाकियात जो है, स्टडी ऑफ इखलाकियात की जो तालीम है वो उन असूलों को उजागर करती है या उन असूलों को डिफाइन करती है जो मॉरल कंसिडरेशन में, यानी इखलाक में, जो हम जैसे हमारा इखलाकियात होता है, जो हमारी इखलाकी इस तहजीब है, उस चीज़ के कंडक्ट को, इंसान के उस कंडक्ट को, वो बिहेवियर को जाहिर करती है। यानी कि एक शख्स है, उसके पास, उसको इखलाकी तौर पर क्या काम करने हैं, कानूनी तौर पर क्या काम करने हैं। जो इखलाकी तौर, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके पास सामने ऐसी आएंगी जो कानून तो आपको परमिट करता है, इजाज़त, कानूनन तो आपको उस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन इखलाकी तौर पर वो चीज़, उस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं होती, या इखलाकी तौर पर वो चीज़ गलत होती है, बुरी होती है, जबकि कानून में आपको उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं मिलेगी। जैसे इसके लिए मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे आपने किसी, आप कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, किसी भी ऐसी ट्रांसपोर्ट में जिसके ऊपर आपने अपनी सीट रिज़र्व करवाई है। अब आपने अगर अपने पैसे दिए और सीट रिज़र्व की है तो ये आपका कानूनी हक है कि आप उस सीट के ऊपर बैठें, अब जब तक आपने रिज़र्व किए, जहाँ तक के लिए, और आप उसके ऊपर सफ़र करें अपने आरामदेह के लिए, ये आपका कानूनी हक है। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपका, आपको नहीं कह सकता कि ये आपको सीट छोड़नी है जबकि आपकी रिज़र्वेशन है। अब यहाँ पर इखलाकियात क्या है कि अगर कोई ऐसा शख्स, आपने सीट रिज़र्व की है और आप उस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, और कोई ऐसा शख्स, जैसे कोई लेडीज़, कोई ओल्ड एज पर्सन आ जाता है जो बहुत ज़यीफ़ है, या बहुत लेडीज़ है जो है, या कोई बीमार बंदा आके आपकी सीट के बराबर में खड़ा हो जाता है, तो अगर आप अपनी सीट छोड़कर उसे बैठने के लिए सीट दे देते हो तो ये एथिक्स है, ये इखलाकियात है, ये मॉरलिटी है। हालांकि कानून आपको नहीं, कानून आप पर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपने अपनी सीट छोड़नी है और उसे देनी है, लेकिन अगर आप अपनी सीट छोड़कर उस शख्स को वो सीट देते हैं, उस लेडीज़ को वो सीट देते हैं, तो ये इखलाकियात है। तो ये चीज़ें हैं जो इखलाकी होती हैं, जो शायद आपको समझ आई हो। थर्डली है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती है इल्मे रूह या नफ्सियात। साइकोलॉजी इज़ अनदर सोशल साइंस एंड इट डील विथ मेंस मेंटल कंडीशन एंड प्रोसेसेस, हिज थॉट्स एंड आइडियाज। जुरिस्प्रूडेंस डील विथ एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ मैन एंड नॉलेज ऑफ फिलोसफी हेल्प्स फॉर फॉर्मुलेट प्रॉपर लॉ फॉर दिस सोसाइटी। अब सोशोलॉजी जो है, साइकोलॉजी जो है, इज़ अनदर सोशल साइंस है। साइकोलॉजी भी सोशल साइंस के ज़मरे में आता है और ये डील करती है इंसान के मेंटल, यानी दिमागी जो उसके अंदर की है, उसके कंडक्ट और उसके प्रोसेसेस को, हिज थॉट्स को, उसके आइडियाज़ को, उसकी सोच को, उन चीज़ों को ये डील करती है साइकोलॉजी। जुरिस्प्रूडेंस डील विथ एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ मैन एंड नॉलेज ऑफ फिलोसफी हेल्प्स टू फॉर्मुलेट प्रॉपर, जबकि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो डील करती है इंसानी रवैये को, इंसानी रवैये की उन चीज़ों को जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी जो ज़ाहरी हैं, जो जो चीज़ें ज़ाहरी तौर पर हैं या जो चीज़ें अमलन तौर पर होती हैं,
यानी जो चीज़ें अमलन तौर पर या ज़ाहरी तौर पर, मतलब जो पांच सेंसेस होते हैं उनके ज़मरे में जो आ जाए, जबकि साइकोलॉजी वो होती है जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मीन्स अगर आपने किसी की कोई चीज़ चोरी की तो ये क्राइम है, ये जो है इंसान का जो है रवैया, उसका जो है एक्सटर्नल कंडक्ट है, एक्सटर्नल बिहेवियर है। आपने किसी को मारा है, ये एक्सटर्नल बिहेवियर है। आपने कोई और कानून तोड़ा है, ये एक्सटर्नल बिहेवियर है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि किसी की कोई चीज़ चोरी करने का, अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी है। अब ये साइकोलॉजी जो है ये जुरिस्प्रूडेंस के ज़मरे में नहीं आती, और ना ही इसके ऊपर कोई क्राइम है, ना कोई ना ये क्राइम है ना इसकी सज़ा है, जब तक उस सोच को आप एक अमली जामा नहीं पहना देते, यानी कि अमली तौर पर उस चीज़ को आप पूरा नहीं कर देते। बिलफर्ज जैसे मैंने बताया आपको सॉरी, जैसे मैंने बताया आपको कि चोरी करना, किसी को मार देना, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी कर देना, ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट ना बांधना, ये सब चीज़ें वो हैं जो आपके ज़ाहरी कंडक्ट है, या किसी को गालम गलोच करना, ये सब आपकी ज़ाहरी कंडक्ट्स हैं जो कि आपके नज़र आ जाएंगे, देखे जाएंगे। लेकिन अगर एक शख्स है, उसने अपने दिमाग में सोचा है, ए है, उसने अपने दिमाग में सोचा है कि यार मेरे बी के जो वॉलेट में पैसे हैं, या बी के वॉलेट में जो मोबाइल है, मैंने ये मोबाइल चोरी करना है। अब जब तक वो ये अमल करने की कोशिश नहीं करता या ये अमल पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसके ऊपर कोई उसने इलीगल काम नहीं किया है, क्योंकि सोच को जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है, सोशल साइकोलॉजी इज़ अनदर सोशल साइंस एंड इट डील विथ मेंस मेंटल कंडीशन, कि इंसान की दिमागी जो कंडीशंस है ये सिर्फ उनको, उसको और उसके प्रोसेस को डील करता है, हिज थॉट्स एंड आइडिया, कि उसके दिमाग में क्या सोच है, उसके दिमाग में क्या आइडियाज़ हैं। जबकि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो डील करता है एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ मैन, इंसान का बाहरी रवैया जो है, ज़ाहरी रवैया जो है, उन चीज़ों से वो डील करता है। और फाइनली इसका जो थ्योरी है वो है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक भी जो है वो एक लॉ पे इफेक्टेड होती है, इकोनॉमिकल चीज़ें भी, तो वो भी जुरिस्प्रूडेंस के ज़मरे में आती हैं। वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ आल्सो वन ऑफ द सोशल साइंस एंड इट डील्स विद मेंस वांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक वेल्थ। लॉ इज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इन जनरल। अब इकोनॉमिक जो है वो भी एक सोशल साइंस है, एंड और ये डील करती है इंसान के वांट्स, जो चीज़ें चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक वेल्थ, यानी कि जो उसकी इनकम है, उसका उसके पास पैसा पाई है, उसके पास अमाउंट्स हैं, उन चीज़ों को। लॉ इज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब इकोनॉमिकल लॉ जो है वो भी सोसाइटी के वेलफेयर में है, और ये वाला कानून तो अब इसकी मिसालें हमारे पास पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है ना। आपने आए दिन आप टीवी पर या न्यूज़ चैनल पर या जो नैप केसेस हैं उनमें देखते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी और इस तरह के जो क्राइम्स हैं, अब ये सारे इकोनॉमिकल क्राइम्स हैं। या रेट जो है, जैसे अभी पिछले दिनों रमज़ान हमारे पास गुजरा है माशाल्लाह से, उसके अंदर आपने देखा है कि एक चीज़ का रेट बढ़ा दिया है उन्होंने, अब ये सब इकोनॉमिकल क्राइम्स हैं। ये भी सोशल सोसाइटी के ऊपर होते हैं, ये सोशल साइंस कहलाते हैं, जो सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो आई होप ये दूसरा चैप्टर भी आज आपका ख़त्म हुआ, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो उसी तरीके से जो कल मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें इसमें समझ ना आए आपको, वो आप मुझसे मैसेज पर या वॉइस मैसेज पर पूछ सकते हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को उसी तरीके से या तो मैसेज में, रिटन में, या वॉइस मैसेज पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि आप लोगों को मैं सेटिस्फाइड अपनी बेस्ट एफर्ट से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए ये दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट बैच है आपका, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपकी जो जुरिस्प्रूडेंस की बुक है ये 29 चैप्टर्स के ऊपर है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है इसके सिर्फ 14 चैप्टर्स जो हैं वहाँ तक का आपका कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में।
बाकी जो है वो सेकंड सेमेस्टर में। तो इंशाल्लाह इस बार हम 14 चैप्टर्स तक इसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको ये एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।